इसका सभी बच्चों को पालकों को प्रणाम और YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे YouTube की सहायता से पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अभी कोरोना काल चल रहा है, अपन विद्यालय में नहीं आ सकते, इसलिए सबसे प्रार्थना है सब रोज वीडियो देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ऐसा सोचो प्रतिभा भी समय सामने बैठी है और हमें पढ़ा रही है ना। ठीक है, बिल्कुल भी गलतियां नहीं करना है, पढ़ाई अच्छे से करना है। मिस ने बोला बुक खोलो तो बुक खोल के बैठना है, पढ़ाई करना। चलिए अमृता स्वामी का आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 10-11। कल हमने आखिरी मात्रा वाले शब्द पढ़े थे पेज नंबर 9, उसको एक बार और बताते हैं। अपन ने क्या क्या करा था? चित्र देखकर पढ़ना है, चित्र देखकर नाम लिखना है। मिस टीचर को भी चित्र बना देगी, आपको नाम लिखना है उसका। फिर चित्र देखकर सही शब्द पर सही का निशान लगाना है, सही अक्षर पे आ की मात्रा लगाना। इस तरह से अपन को पेज नंबर 9 अच्छे से करना है। इसी बुक की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 10, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हमने कैसा बोला? ई, जल्दी बोला, बड़ी की ई देता ई, ई इस तरह से। चलिए पेज नंबर 10, छोटी की मात्रा। द प्लस छोटी की मात्रा प्लस या दिया। देखो दिया कैसे लिखना है, द प्लस छोटी की मात्रा प्लस या में आ की मात्रा, बराबर क्या हो जाएगा? दिया। इसके पहले पढ़ चुके हैं लेकिन आपको इंडियन नंबर इसके बाद में पता है दिया। इस तरह से आपको दिया करना है ना। अब पिता, तो पा प्लस छोटी की मात्रा प्लस तामे की मात्रा, तब हम कैसे लिखेंगे? पा लिखा है, पा में छोटी की मात्रा पीछे लगेगी और तामे की मात्रा पिता, इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से एक और लिख देखो, ला प्लस छोटी की मात्रा प्लस पा में आखिर पा, पा में पा लिखा पा। दे ध्यान दीजिए, बुक की तरह उंगली रखी जहाँ पढ़ा रहे, रा प्लस वा प्लस छोटी की मात्रा रवि, इस तरह से। अब कुछ शब्द छोटी की लिखे हैं, उनको अपन को पढ़ना है। तो देखिए अब डायरेक्ट पढ़ेंगे, हिज करके अपन सीख चुके हैं, अपन को पूरा मिला के पढ़ना सीखना है ना बेटा। तो पढ़िए वाला, दिल सिर पिता मिला गिटार, तिल फिर खिलाफ किरण रविवार, रविवार आ गया छुट्टी का दिन, रविवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संडे है ना। बिल गिर किसान सितार रिमझिम मिल चीर गिलास विशाल, विशाल मीन्स बहुत बड़ा, आकाश कैसा है? बहुत बड़ा विशाल है। अधिकार आ धावे छुट्टी में धि, जल्दी बोलिए ना, कार खिल, क्या बोला छोटी की मात्रा अपन को? जल्दी बोलना खिल। कवि डाकिया, डावे आ की मात्रा लगाई तो अपन ने थोड़ा ताकत लगाई, डाकिया। धनिया झिलमिल, ये अपना पेज नंबर 10 हो गया। पेज नंबर 11 में पाठ है, देखो छोटी की मात्रा वाला चित्र बना है उसमें, और खटिया लेके भी जा रहा है, गिटार भी रखा है, सालकी भी है, डाकिया भी है, जो पत्र बांटता उसको कहते हैं डाकिया, है ना। इस तरह से पूरा चित्र, सूरज भी है। अब चलिए अब पाठ पढ़ेंगे। दिन निकला चिड़िया चहचहाई, चहचहाई मतलब चीची चीची करने लगती सुबह से। फिर बिमला उठ, जहाँ पूर्ण विराम रहता है वहां को विराम मतलब रुकना, थोड़ा सा रुक जाया करो तो अपन को मालूम पड़ता आता है अपना एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पूर्ण विराम का मतलब जो होता है एक सेंटेंस, जैसे आप बोलेंगे राम पढ़ो है ना, तो पढ़ो थोड़ा रुकेंगे, इस तरह से एक सेंटेंस हो जाता है, थोड़ा रुकना पड़ता है। उठकर पढ़कर सितार बजा, कविता खटिया पर धनिया रख, किताब निकाल कर पढ़, अपना
नाम लिख। हाँ यहाँ आया अपना नाम लिख। तो सारे बच्चों को हिंदी में अपना अपना नाम लिखना सीखना है। एक क्वेश्चन हम ऐसा भी दे देंगे, आपका नाम क्या है, तो हिंदी में लिखना पड़ेगा आपको। मेरा नाम जिसका है वर्षा है तो वर्षा लिखो, राम है तो राम, पूरा मेरा नाम राम है, ऐसा भी आ जाएगा। पिताजी का नाम, माताजी का नाम, सब अपन को पूरा लिखना आना चाहिए। कभी आप मेले में कहीं घूम गए तो आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम आपको याद होना चाहिए ना, अपना फोन नंबर भी, सब चीजें याद करके रखना, ठीक है। चलिए चित्र बना, साइकिल का चित्र बना। निशा, निशा मतलब रात्रि भी होती है और एक नाम भी है निशा। किसान का हल मत उठा, बाजार जा, बनिया का धनिया ला, पिन मत लगा, बिस्तर बिछा, शिखर आया, बढ़िया खटिया लाया। देखो शिखर आया है चित्र में, खटिया लाया है ना, खटिया लाया, खटिया बिछा, डाकिया आया, डाक लाया, नितिन खत पढ़, खत मतलब होता है पत्र, चिट्ठी जिसको बोलते हैं, किरण का खत मत पढ़, सिर मत हिला। तो हमने आज पेज नंबर 10-11 पढ़ा। इस तरह से आपको पढ़ना सीखना है दोनों पेज। जब आपको पढ़ना आ जाएंगे तो इसमें से फिर आपको बीच में बाद में प्रश्नोत्तर भी लिखवाएंगे। पहले पूरा पाठ पढ़ना सीख लो, अच्छे से लिखना पढ़ना सीखना, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखो, माता पिता का कहना सुनना है, प्रातः काल जल्दी उठना, सूर्य भगवान नहीं आए उससे पहले उठना, तो अपन को बहुत बुद्धि आएगी, ठीक है। बाय।